आईपीएस देवेंद्र बिश्नोई ने आज अजमेर एसपी के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान अजमेर पुलिस की ओर से उन्हें जिला एसपी कार्यालय पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए जिले में किस तरह से बेहतर पुलिसिंग हो, उसकी बेसिक पुलिसिंग को और बेहतर किस तरह से किया जा रह सके, इसे लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्राथमिकताएं बेहतर कानून व्यवस्थाओं की रहेगी, सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना और अपराध व अपराधियों में लगाम लगाने का विशेष फोकस रहेगा। पुलिसिंग को और सरल करने और आम जनता के बीच विश्वास और अपराधियों में व्याप्त हो, इसे लेकर योजना तैयार की जाएगी जिसका असर जल्द देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि वह पहले भी अजमेर एडिशनल एसपी ग्रामीण के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, ऐसे में यह पुलिसिंग को लेकर उन्हें जानकारी है, लेकिन इसमें कई परिवर्तन हुए हैं, ऐसे में और बेहतर प्रयास करते हुए प्रभावी कार्रवाई हो, इस पर विशेष फोकस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चे में बढ़ रहे मोबाइल एडिक्शन को लेकर भी अभिभावकों को ध्यान में रखना चाहिए, इससे पुलिसिंग भी नज़र रखेगी। टेक्नोलॉजी के इस दौर में पुलिस को भी अपडेट रहने की ज़रूरत है। अजमेर मेरे लिए नया नहीं है, अजमेर में आपको विदित है कि मैं यहाँ पर एडिशनल एसपी रूरल के तौर पर सेवाएँ दे चुका हूँ और आज मेरा पद स्थापन यहाँ कार्यभार जिला पुलिस अधीक्षक के तौर पर लिया है। तो सबसे पहले तो यही है, पुलिस का मोराल उच्च रखना और दूसरा पब्लिक के साथ जो संवाद है हमारा उसको और बेहतर बनाना, कई बार व्यवहार की यदागदा शिकायतें आती हैं उनको दूर करना और समय समय पर पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए निर्देशों की और ख़ास तौर से जो उनकी प्राथमिकताएं हैं उनको फोकस में रखते हुए बेसिक पुलिसिंग को मजबूत करना और टीम वर्क लेकर आने वाले जो चुनाव हैं लोकसभा के उनको शांतिपूर्ण संपन्न करवाना। हाँ जी बताएं, हो गया? तो आपने कोई संदेश दिया? हाँ जी। और कल ही एक नवी कक्षा की बच्ची ने सुसाइड किया मोबाइल में। हाँ जी। ऐसे में वापस आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वो जो घटना मैंने पढ़ी बड़ा दुखद घटना है। मेरा ये मानना है कि मैंने पहले भी कहा था कि पेरेंट्स का और बच्चों का आपस में एक बहुत अच्छा दोस्ताना व्यवहार होना चाहिए और पेरेंटिंग जो है वो एक समय मांगता है और बच्चों का पेरेंट्स के साथ एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए और समझाइश की जाए प्रोस एंड कॉन्स, कोई भी चीज़ की क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, उसको बच्चों को अगर हम बेहतर ढंग से समझाएं, मेरा ये कहना है कि फोर्स ना करके बच्चों को समझाइश की जाए क्योंकि आज की जो जनरेशन है बहुत मुखर है और समय से एडवांस्ड है, हमारे समय से काफ़ी एडवांस जनरेशन है। तो उस जनरेशन में बच्चों को पेरेंट्स की गाइडेंस और सपोर्ट की ज़रूरत है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको जो है बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार करके अच्छाई और बुराई का जब तक बच्चों को नहीं बताया जाएगा उनको पता नहीं लगेगा। सर आज आप पुलिस कप्तान अजमेर के बन चुके हैं, ऐसे में यहाँ के अपराधियों को क्या कहेंगे सर? यहाँ पे भी लगातार चोरियाँ बढ़ती है, कई तरह की घटनाएं आम होती जा रही है। देखिए चोरियों के बारे में तो मेरा ये मानना है कि हमारी जो व्यवस्था है, गश्त व्यवस्था है, रात की गश्त है, जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें क्या कमियां हैं उसको एक बार देखा जाएगा, इलाके में मूवमेंट किया जाएगा, आप सबसे संवाद कायम रहेगा, जो कमियाँ हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। और मेरा क्या है कि मैं थोड़ा देसी आदमी और बेसिक पुलिसिंग वाला आदमी हूँ, तो मैं अभी जो है वो डांग गश्त को बोलते हैं ना, छः छः फुट की डांग दे के सिपाहियों को मैदान में उतारने वाला हूँ, तो चोरियाँ चोरियाँ तो बंद हो जाएंगी। पहले भी यहाँ रहे हैं, अब एसपी के पद पर आ रहे हैं, जिला भी पहले से छोटा हो गया है, किस तरह से और प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी, इससे लेकर कोई कार्य योजना बनाई है क्योंकि आप पहले यहाँ रह चुके हैं? देखिए कार्य योजना तो मेरा ये मानना है कि बेसिक पुलिसिंग ही अपने आप में सब चीज़ों को समावेश कर लेती है और जो हमारा पुलिस का जो काम है बेसिक हमने कॉम्प्लिकेट कर दिया, उसको सिंप्लीफाई करना मेरा काम है, उसको सिंप्लीफाई करके टीम वर्क के साथ मैदान में टीम उतरेगी तो अपने आप आपको रिजल्ट नज़र आएंगे। मेरी आपसे उसमें एक विनती है कि जो हम चोरों को पकड़ने के तरीके हैं वो आप मीडिया पर प्रचारित ना करें तो चोरों को जो एडवांसमेंट में पता लग जाती है, ठीक है?